नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेप्टिक टैंक घर की किस दिशा में बनवाना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सेप्टिक टैंक बनवाना हो तो घर की किस दिशा में बनवाना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकें। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत दिशा में बना सेप्टिक टैंक आपको बर्बाद कर सकता है। यह आपके जीवन में अनेक परेशानियों को ला सकता है। इससे आपके जीवन में संघर्ष बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही सेप्टिक टैंक का बड़ा महत्व है। चाहे घर बनाना हो या कोई नया काम शुरू करना हो, सब चीजें वास्तु के हिसाब से ही करना उचित रहता है। इसलिए लोग नया काम करने से पहले उसका शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, ताकि काम सही तरह से पूरा हो और काम बिगड़े नहीं। जिस जगह हम रहते हैं वहां की दिशा भी सही हो, इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाथरूम, पूजा घर, रसोई घर, टैंक सब सही दिशा में होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सब सही दिशा में नहीं होते हैं तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही सेप्टिक टैंक घर में होना बहुत जरूरी है। तो आइए आप भी जानें वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक घर में कहां और किस दिशा में होना चाहिए। घर में मलमूत्र और अवशिष्ट पदार्थों के लिए घर में सेप्टिक टैंक बनाना बहुत जरूरी होता है। वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक मुख्य द्वार पर नहीं बनाएं। वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक की जरूरत कुछ दशकों पहले ही अस्तित्व में आई थी, लेकिन आज यह प्रत्येक घर की जरूरत बन गई है। इसके निर्माण के लिए जमीन के नीचे एक गड्ढा बनाया जाता है। वास्तु के अनुसार इसके निर्माण में किसी भी वस्तु की कमी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और साथ ही अनेक प्रकार की समस्याएं भी होती रहती हैं। वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक का निर्माण के लिए उत्तर पश्चिम की दिशा सबसे उपयुक्त मानी गई है। सेप्टिक टैंक के जल की निकासी पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए तथा मल और अपशिष्ट पदार्थों की निकासी पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए और चौड़ाई उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक को घर की मुख्य दीवार से कुछ दूरी पर बनाया जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बाथरूम की नाली का पाइप पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम दिशा में हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जल निकासी का पाइप दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। अगर गलती से इसका निर्माण दक्षिण दिशा में हो गया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जल निकासी पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर हो। कभी भी सेप्टिक टैंक को पूर्व दिशा में नहीं बनाना चाहिए। पूर्व में बनाएं तो ईशान कोण छोड़ करके और अग्नि कोण छोड़ करके मध्य में ही सेप्टिक टैंक बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।